हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रू स्टेट में। तो आज हम अपनी ला चुके हैं एक नई साइट जो कि बहुत ही प्राइम लोकेशन में होने वाली है। जस्ट आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं, जैसे कि हर एक तरफ चारों ओर पे एक मकान बने हुए हैं। सिर्फ यहीं पे एक लोकेशन है प्लॉट की जो लिमिटेड है, ठीक है। इसकी आपको लोकेशन कहाँ पे ये आगे बताते हैं वीडियो में, फर्दर वीडियो में बने रहिए। तो हमारी ऑडियंस को हेलो बोलिए। हेलो, और अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सर। मेरा नाम विकास गुप्ता है। मैं लखनऊ रियल्टर्स जो ग्रुप ऑफ कंपनी है उसका मैं सेल्स एंड मार्केटिंग पूरा देखता हूँ मैं। और रिसेंटली हम लोग अपना एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं इन द हार्ट ऑफ सिटी लखनऊ में, मतलब ये अर्जुनगंज एरिया लगता है आपका, जो कि चारों तरफ से पूरा फुल डेवलप्ड एरिया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पे आबादी है, ठीक है। और घर हाउस प्लॉट सब जो थे सेल आउट हो चुके हैं। यहाँ पे जो इस साइड पे लिमिटेड प्लॉट्स ही बचे हैं, ठीक है। तो सर हमारे ऑडियंस को बताइए यहाँ पे कि किस किस एरिया के प्लॉट्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। लिमिटेड जो मिनिमम एरिया होगा वो क्या होगा? मिनिमम एरिया यहाँ पे 800 स्क्वायर फीट का होगा, 20x40 का डायमेंशन होगा उसका। उसके बाद आपको 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट, फिर 1250 स्क्वायर फीट, फिर 1500 और फिर 1800, इसी क्रम में आपको प्लॉट आपको मिल जाएगा आपको यहाँ। अच्छा, तो जो मिनिमम प्लॉट एरिया है वो 800 स्क्वायर फीट का है, 20x40 की डायमेंशन है उसका, ठीक है। जो 20 होगा वो फ्रंट और 40 जो आपकी होगी डेप्थ होगी, डेप्थ होगी, ठीक है। तो सर हम ये जो हमारी साइड है पूरी, ये पूरी क्या नगर निगम के अंतर्गत? हाँ, ये पूरी साइड है आपके सरसवा गांव लगता है ये। अच्छा, ये पूरा नगर निगम में आपका है। अच्छा, और पूरा नगर निगम के जी अंतर्गत पूरा आता है नगर निगम के अंतर्गत आता है पूरा साइड ये जो साइड है हमारी। जैसा कि सर ने बताया नगर निगम के अंतर्गत आती है। और साइड में आपको एक और चीज अच्छी बात है कि दाखिल खारिज करा के सर देंगे, है ना सर? दाखिल खारिज भी है इसमें, और इसमें धारा जो 80 होती है आवासीय लैंड, जी उसको आवासीय करा लिया गया, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड बेचने का प्रावधान है नहीं आज की डेट में। जी जी, और चूंकि बैंक का लोन भी लोगों को चाहिए होता है, बिल्कुल, तो बैंक की जो गाइडलाइन होती है उसके अकॉर्डिंग इस लैंड को धारा 80 भी करा दी गई है। अच्छा जी, तो इस लैंड को सर ने बताया कि धारा 80 जो होती है आवासीय जिसे कहते हैं, वो भी इस लैंड को करा दिया गया है। नगर निगम अप्रूव्ड है हमारी लैंड है ये। इसको अब बेसिक एमिनिटीज के बारे में बताइए कि जो जो यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं आप। देखिए, सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे क्या है कि जो हम लोग पे जो हमारी जो मुख्य सड़क है वो 30 फीट की रोड है। हमारी एंट्रेंस पूरी हमारी 30 फीट की हमारी है। अच्छा, कॉलोनी में जितने भी हमारा जो मेन रोड होगा सब सारा 30 फीट का होगा आपका। 30 फीट की मेन रोड होने वाली है। अच्छा, और उसके बाद जो मेन रोड से जो इंटरकनेक्टेड जो शायद दूसरे जो रोड होंगे जी वो मिनिमम 27 फीट और 25 फीट के रोड रहेंगे आपके। अच्छा, जो मेन रोड से जो इंटरकनेक्टेड जो दूसरे रोड होंगे जो हाउस के सामने, हाँ हाउस के सामने होंगे, वो 27 फीट और वो 25 फीट की रोड आपके कॉलोनी के अंदर होगा। ठीक है। जो कॉलोनी के रोड है वो 25 फीट और 27 फीट जैसा कि सर ने बताया, और जो मेन रोड होने वाली है आपकी वो 30 फीट की रोड है। तो सर यहाँ पे अब लोकेशन की बात कर लेते हैं। जो लोकेशन हमारी ये होगी प्लॉट की, ये कहाँ पे है सर? ये बेसिकली आपका ये अर्जुनगंज लगता है, अर्जुनगंज में सरसवा जो एरिया लगता है बेसिकली आपका नगर निगम में है आपका जी, उसमें पूरा ये लोकेशन है। और ये एक तरह देखा है तो अर्जुन आप देख ही पा रहे हैं, आप चाहो तो पूरा डेवलप हो चुका है जी। ये अर्जुनगंज की एक लास्ट प्लॉटिंग है, एक प्रोजेक्ट है जिसको हम लोग डेवलप कर रहे हैं। इसके बाद अर्जुनगंज में अब कोई स्पेस ऐसा नहीं है जो आपका डेवलप होगा एज अ कॉलोनी या एज अ रेजिडेंशियल जी सर, प्रोजेक्ट के रूप में डेवलप होगा। जी तो इसमें हम आपको रोड के साथ साथ आपको ड्रेनेज भी दे रहे हैं, आपको ट्रांसफार्मर लाइट सारे प्रॉपर चीजें करके आपको सब चीज दे रहे हैं हम लोग इसमें आपको। जी, तो सर ने बताया जैसे कि ड्रेनेज सिस्टम आपको मिलने वाला है, लाइट मिलने वाली है, डामा रोड आपको मिलेगी, ठीक है। और आपके नियर बाय में जितनी भी बेसिक चीजें हैं, ठीक है, आपके डेली बेसिस की, सर यहाँ से बता सकते हैं कि स्कूल हॉस्पिटल वगैरह कितना के दूरी पर है? इस लोकेशन का एक बहुत अच्छा एडवांटेज है कि यहाँ पर साइज जो भी मेजर अमेनिटीज है बहुत नियर बाई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करें, अगर स्कूल की बात करें तो यहाँ पर ब्रिजिया मरोलो स्कूल है, यहाँ से मुश्किल से हार्डली 800-900 मीटर की दूरी पे है आपका। अगर आप शॉपिंग स्पेस की बात करें तो लखनऊ जो सबसे बड़े शॉपिंग स्पेस जिसमें काउंट होता है प्लासियो लुलू और आप जिनको आप काउंट करते हैं, मुश्किल से यहाँ आपसे वो 5 मिनट की दूरी पे आपके दोनों अमेनिटीज है आपके। इकाना स्टेडियम की बात कीजिए तो हार्डली यहाँ से 7 से 8 मिनट दूरी पे इकाना स्टेडियम आपका है। यहाँ पे मेदांता हॉस्पिटल की अगर आप बात करते हैं तो भी वो हार्डली 5 मिनट की डिस्टेंस पे मेदांता हॉस्पिटल आपका यहाँ से, आपको बैक साइड में बैक साइड में आप देख अगर सकते आप हैं मेदांता हॉस्पिटल कि आपका। लुलू मॉल भी आपको दिख रहा है, मेदांता भी दिख रहा है, और जस्ट उसके मिड में आपको फ्लेक्स स्क्वायर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो सर हमारी ऑडियंस को ये बताइए कि अगर वो यहाँ पे प्लॉट लेती है तो उनको क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा इन फ्यूचर? सर देखिए, अभी ऐसा आप देख पा रहे हैं कि प्रोजेक्ट अभी आपका डेवलपिंग स्टेट में है, जी तो जो इसलिए हमारा जो प्राइसिंग है अभी काफी हमने कम रखा है यहाँ पे। जी, जब ये प्रोजेक्ट आपका जो हमारा फेज वन है 2 से 3 में पूरा फुल डेवलप हो जाएगा, हमारा सारी एमेनिटीज यहाँ डेवलप हो जाएंगे तो अप्रिसिएशन ठीक ठाक मिलेगा उनको। जी जैसे आप जान रहे हैं कि इस समय हम लोग इस प्रोजेक्ट को हम लोग
2599 में इसकी मार्केटिंग हम लोग कर रहे हैं आज की डेट में जी। और ये डेवलप होने के बाद आप जानिए कि इसकी जो वैल्यू होगी, एप्रिसिएशन जो होगा, कम से कम 700-800 रुपए स्क्वायर फीट का एप्रिसिएशन आपको साल भर के अंदर आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, आपको कम से कम बता रहा हूँ मैं आपको। तो जैसा कि सर ने आपने सर ने आपको यहाँ का जो रेट होने वाला है फ्यूचर में आपका 700-800 जो आपका इंक्रीज होने वाला है। इस प्रेजेंट टाइम पे जो यहाँ साइट का रेट है वो 2599 होने वाला है, बट इन फ्यूचर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे 700-800 इंक्रीज होने वाला है। और आप लोग को भी ये चीज़ पता है कि जहाँ पे डेवलप अगर होगा तो वहाँ का तो रेट इंक्रीज। ये सर मैं हमारे जो पीछे आपको ये लोग है जो कॉलोनी है बता देंगे कौन सी कॉलोनी है? ये आपकी फ्रेंड्स कॉलोनी है, बिल्कुल शहीद पथ से लगी हुई कॉलोनी है, हम लोग इस जगह उनके ठीक पीछे हम लोग हैं। अगर आप अपने आप इस तरफ देखेंगे आप, ये आपका हरिहरपुर है, ये नीलमथा है, आपका पूरा आर्मी एरिया है, आर्मी के ही मैक्सिमम लोग यहाँ रहते हैं, और ये आर्मी नीलमथा से बिल्कुल लगा हुआ आपका ये प्रोजेक्ट है आपका। अगर आप इधर से हरिहरपुर से अगर आप शहीद पथ जाना चाहेंगे तो मुश्किल से आपको 2 से 3 मिनट लगेगा, मेहनता के अंडर पास पे आप यहाँ से निकल सकते हैं आप। तो जस्ट सर ने बताया कि पीछे मेरे फ्रेंड्स कॉलोनी है आप देख सकते हो ठीक है, एंड इस साइड मेरे हरिहर नगर है ठीक है, इसके बैक हैंड साइड पे नीरमथा है जो कि आर्मी एरिया लगता है, वहाँ पे मैं आर्मी के आर्मी कम्युनिटी के लोग काफ़ी रहते हैं ठीक है। तो आप जो आर्मी पर्सन है वो भी यहाँ पे इजिली आराम से परचेज कर सकता है, रह सकता है ठीक है, उसकी कम्युनिटी के भी लोग क्योंकि यहाँ पे रहते हैं। तो सर हमारी ऑडियंस को बताइए जो हमारी ये साइट है इसका क्या प्राइस होने वाला है? इसका प्राइस जो अभी हम लोग लॉन्च करने वाले हो वो 2599 का प्राइस हम लोग लॉन्च करने वाले हैं मेन टाइम, और होपफुली जैसे अभी डेवलपमेंट स्टार्ट होगा तो उससे प्राइस का अप्रिसिएशन भी यहाँ आपको देखने को मिलता प्राइस का रहेगा, अप्रिसिएशन बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा आपका। ठीक है। तो सर इसमें ये बताइए कि जो कितना परसेंट आप डाउन पेमेंट करके लोन करा सकते हैं? देखिए जो बैंकिंग, अगर आप बैंकिंग में जाते हैं तो LIC हाउसिंग फाइनेंस, आधार हाउसिंग फाइनेंस से हम लोग लोन करा रहे हैं यहाँ पे इसमें, जी। और अगर आप स्टैंडर्ड जो होता है 70-30 का रेशियो होता है, जी 30% आपको डाउन पेमेंट करना होता है प्लॉट परचेज के लिए और 70% आपको बैंक से आपको लोन मिल जाता है, लोन हो जाएगा जी ठीक है। तो जैसा कि सर ने बताया आपको 30% आपको देना पड़ेगा कैश, बाकी जो आपका 70% है वो आपका लोन हो जाएगा ठीक है। और सर एक और आपसे लास्ट क्वेश्चन था कि अगर कोई हमारा ऐसा कोई कस्टमर आता है, कोई हमारा ऐसा व्यूअर आता है जिसको बना बनाया हाउस चाहिए तो क्या वो प्रोवाइड हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, हमारे पास पूरी इन हाउस टीम है, आर्किटेक्ट की, इंजीनियर्स की, सारे अपने पास लेबर मिस्त्री अपने पास सारे अवेलेबल हैं अपने पास। अगर कस्टमर करता है तो हम लोग उस गिवन टाइम के अंदर उसको जी हम लोग बना के हम लोग डिलीवर कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जैसा कि सर ने बोला कि अगर आपको हाउस चाहिए है ना या विला चाहिए ठीक है, तो आपको वो भी यहाँ पे साइट पे बना बनाया मिल जाएगा ठीक है। प्लॉट्स बाय करने के लिए आपको अगर ये साइट अच्छी लगी हो तो इस दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करिए फॉरन, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने फैमिली मेंबर्स में और कलीग्स को अपने वीडियो शेयर करिएगा। और ट्रू स्टेट को अगर आप सब्सक्राइब करते हो हमारे चैनल के माध्यम से आते हैं तो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा।